लो बसंत फिर गए, फूलों में रंग लाए, बचे जल तरंग उमंग छाई, लो बसंत फिर गए। टुडे आई रमन चंदानी इज हियर टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। आई सम्यगी गोयल होप दैट दिस ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी ब्रिंग्स वेल्थ हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। मे यू बी ब्लेस्ड बाय द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। Vasant Panchami, also called Saraswati Puja, marks the beginning of spring. It also marks the start of preparation for Holika and Holi. Now we have Sanvi Divedi of Class 8 to enrich us with her thoughts on this glorious festival. Greetings to everyone. I am Sanvi Divedi of Class 8F and I wish you all a very happy Vasant Panchami. The festival of Vasant Panchami is dedicated to Saraswati, the goddess of wisdom, music and art. According to the Hindu mythology, the goddess symbolizes constant flow of knowledge. This festival is also believed to be the birthday of goddess Saraswati. She is also known as Vidyadahini and Brahmani. It is especially celebrated in the institutions of learning. Vasant Panchami marks the beginning of the spring season and the end of the winter season. According to the Hindu calendar, it is celebrated on the fifth day or Panchami of the month of Magh. The spring festival usually falls in the month of January or February. The day of Vasant Panchami is also known as Shri Panchami or Saraswati Puja. According to one of the famous beliefs, the origin of Vasant Panchami lies in the Aryan period. Aryans came and settled in India, crossing the Saraswati River. There was a lot of development at that time around the banks of the river of Saraswati. Yellow color is of most importance and dominates everywhere on this particular day. Yellow color is associated with goddess Saraswati as well as mustard crop. Vasant Panchami is a festival of religious, seasonal and social significance. It is celebrated with enthusiasm and new sense of optimism throughout India. Thank you. Thank you, Sanvi, for such a lovely speech. Now let's listen to Saraswati Vandana. Thank you.
Now we have students of class 8 performing a skit. सुप्रभात प्रिय मित्रों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु के स्वागत के लिए माघ के महीने के पांचवें दिन पर एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती और भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसे वसंत पंचमी कहते हैं। आज हम एक छोटे नाटक के माध्यम से माता सरस्वती की जन्म कथा को जानेंगे, तो चलिए चलते हैं। एक बार की बात है, तन्वी और सानवी नामक दो बहनें अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। कोरोना काल के तहत उन दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। दोनों बहनें ऑनलाइन क्लासेस से बड़ा परेशान थी। तन्वी, मैं तो तंग आ गई ऑनलाइन क्लासेस से। दिन भर से घर पर बैठकर पढ़ाई ही करनी होती है। बिल्कुल सही कहा सानवी, मेरा तो कभी कभी मन करता है कि स्कूल होता ही नहीं, बच्चे सिर्फ खेलते और खाते, ना अच्छे अंक लाने की प्रतियोगिता, ना किताबों का कोई बोझ। क्या जीवन होता ऐसा। उनकी माँ ने दोनों की बात सुन ली। बच्चों, क्या तुम दोनों को वसंत पंचमी की कथा पता है? नहीं तो? अच्छा, तो आज मैं तुम दोनों को माता सरस्वती की कथा सुनाऊंगी, जिससे तुम लोग को विद्या एवं शिक्षा का महत्व पता चले। करोड़ों साल पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की स्थापना की, किंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने विष्णु जी की आज्ञा से अपने कमंडल से धरती पर जल छिड़क दिया, जिससे धरती पर कंपन होने लगा और प्रकट हुई एक सुंदर चतुर्भुजी देवी स्त्री। वर्ण मुद्रा में था, वहीं अन्य दोनों हाथों में क्रमशः पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, तो संसार के सारे जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने इन्हें इस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती देवी को भगवती, शारदा, बागेश्वरी और वीणा वादिनी जैसे अन्य नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती देवी से प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी भी आराधना की जाएगी। इस कारण बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन हो जाता है। ये दिन नवीन ऋतु के आगमन का सूचक है, इसीलिए इसे ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। और यहीं पे सरस्वती माता की एक कथा समाप्त होती है। माँ, तो क्या अगर इस संसार में सरस्वती माता का जन्म नहीं होता, तो यहाँ विद्या एवं शिक्षा का वास नहीं होता? तन्वी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर इस संसार में सरस्वती माता का जन्म नहीं होता, तो इस संसार में विद्या और शिक्षा का वास भी नहीं होता। तो तुम दोनों ने देखा कि विद्या और शिक्षा का इस मानव जाति पर कितना बड़ा वरदान है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से मैं और तन्वी खुशी से ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेंगे और विद्या का कभी अपमान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा सानवी, आज से मैं भी उत्साह के साथ ऑनलाइन क्लासेस में भाग लूंगी। शाबाश। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस विद सच अ वंडरफुल स्किट। I'm
Now we have Vidhi of class 2nd B expressing her thoughts on Basant Panchami via a beautiful poem. See, kisne jagaya, main sur bhi hoon, chhod komal phool ka ghar, dhundhti hoon kunj nirjar, poochti hoon nab dhara se, kya nahi rituraj aaya, main rituon mein न्यारा वसंत, मैं अग जग का प्यारा वसंत, मेरी पदवनि सुन जग जागा, कण कण ने छवि मधुरस मांगा, नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया दिगंत, मेरे सपनों की निधि अनंत, मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत. Thank you, Vidhi, for such a lovely poem. Now we have Ayushi of class 11B to express her views on Basant Panchami. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupidi Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Mesada. Goddess Saraswati is the light of knowledge, hope and wisdom. May our lives be filled with the eternal light of knowledge and peace. May the divine grace of Goddess be with us today and always. With this, I would like to conclude today's assembly with the hope of her blessings being showered upon us. Thank you very much. Part of this assembly by Shamrock House. May Goddess Saraswati bless you all.